वेल, सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात करें तो उनके जैसा बिग बॉस का कोई भी कंटेस्टेंट हो नहीं सकता. ही इज़ गोट, लिटरली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, लेजेंडरी है, और उनके साथ किसी का भी कंपैरिजन होना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा. कंटेस्टेंट्स को मतलब कितने भी पुराने कंटेस्टेंट्स हो, लेटेस्ट कंटेस्टेंट्स हो, आने वाले कंटेस्टेंट्स हो, किसी का भी कंपैरिजन अगर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ तो उनके फैंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, ना ही उनके चाहने वालों को पसंद आएगी, क्योंकि ही वॉज समथिंग एल्स, कुछ अलग ही थे. लेकिन हाँ, बिग बॉस 16 के घर के अंदर कल किसी को देखकर जनता को याद आ रही थी सिद्धार्थ शुक्ला की. आखिर सिद्धार्थ शुक्ला को किस तरीके से याद किया गया, कौन से कंटेस्टेंट के चलते याद किया गया, लेट मी टेल यू वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. मैं वेदांगी करणिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल फीफा फूज पे. और बता दें, सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला ही नहीं बल्कि गौतम गुलाटी को भी कल याद किया गया. एक कंटेस्टेंट को देख और बोला गया कि ये बहुत सही मौका मिला है इस कंटेस्टेंट को. सिद्धार्थ शुक्ला अगर यहाँ होता तो सिद्धार्थ शुक्ला किस तरीके से जवाब देता, उस पर बात की. गौतम गुलाटी द लोन वुल्फ, उनके बारे में भी बात की गई. तो लेट मी टेल यू आखिर ये कौन कंटेस्टेंट है. वेल, बात हो रही है गौतम विज की, जहाँ पे कल साम दाम दंड भेद में दाम के चलते पहले निमृत को ऑप्शन दिया गया कि आप चाहते हो तो शिव के रूम में आप शिफ्ट हो सकते हो, एक बेडरूम बेड एक खाली है, सो यू कैन गो देयर, हाफ राशन आपके रूम से लेकर आपको बस जाना है. शी सेड नो, मैं राशन नहीं लेके जाना चाहती. उसके बाद यही चीज़ गौतम को बताई गई. गौतम ने पहले ना कहा, लेकिन फिर बाद में जब बिग बॉस ने और सलमान खान ने उन्हें सोचने का वक्त दिया तो उन्होंने सोचा अपने लिए और उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया, जिसके बाद पूरा घर जो है गौतम के खिलाफ हो गया कि तुम्हारी वजह से हमारा राशन चला गया, तुम्हारी वजह से हमें खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा. और वो सारी चीज़ें देखकर अब जनता जो है गौतम के बारे में बात करते हुए नजर आ रही है. तो किसी ने कहा कि गौतम के पास ये एक अल्टीमेट चांस है गौतम गुलाटी बनने का, आई होप ही यूजेस दिस परफेक्टली. कोई कह रहा है आज सिड़ की याद आ गई, काश आज गौतम भी सिड़ जैसे बोल देता जब सिद्धार्थ ने बोला था तुम 1, 2, 3, 4, 12, 13 सब के सब भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला हूँ, मुझ अकेले से फट्टी है तुम सबकी, भाड़ में जाओ, तुम लोगों से मैं कोई रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ. तो अगर सिड ने जैसा कहा, अगर गौतम कहता तो मज़ा आ जाता. कोई कह रहा है गौतम ने आखिर गलत क्या किया, गौतम अगर सेल्फिश बन रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है तो गलत ही क्या कर रहा है. शो में वो 16 लोगों की राशन की जिम्मेदारी क्यों लेगा, आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है, और राशन को लेकर इतना क्यों रो रहे हैं जैसे कि बिग बॉस सच में 7 दिन खाना ही नहीं देंगे. तो कोई कह रहा है राशन मिला है भाई और मिलेगा, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, इतना गौतम के ऊपर चढ़े उसका कोई मतलब नहीं था, बिग बॉस कोई 5-स्टार होटल नहीं है, इतनी गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, बेचारे गौतम को इतने गिल्ट में क्यों ही गया, आई एब्सोल्युटली लव्ड कि उसने अपने लिए खेला एंड आई अप्रिशिएट, एंड ये ह्यूमैनिटी का कौन सा नारा लगाए जा रहे हैं लोग पता नहीं. तो कोई कह रहा है कि आई स्टैंड विद गौतम इन दिस मैटर, ये एक गेम है और बिग बॉस किसी को खाने पीने से वर्जित नहीं रखेंगे, भाई रो मत, तुम्हें खाना मिल जाएगा. तो कोई कह रहा है उसको अगर मौका मिला कैप्टन बनने का तो उसने ले लिया, उसमें गलत क्या है, गेम है, इम्यूनिटी पाने के लिए अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो उसका कॉल है, तुम लोगों को क्या है, अगर तुम्हें भी मौका मिलता तुम लोग भी ये मौका ले ही लेते. इस तरीके से कुछ लोग जो है सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं गौतम का. आपको इस पर क्या है कहना, लेट मी नो योर थॉट्स. एंड क्या आपको भी कल का ये सिचुएशन देख के सिड की याद आई, जिस तरीके से सिड ने कहा था कि 1, 2, 3, 4 सबका नंबर लेके बोला कि तुम जाओ भाड़ में, यहाँ पे मैं कोई रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, मुझे अकेले से तुम सबकी फट्टी है, आपको भी सिद्धार्थ की याद आई, लेट मी नो इन द कमेंट्स.